नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देना कि एनी इमरजेंसी सिचुएशन आप काउंसलिंग वाला को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हैं, वो लगातार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे तक कभी कभी बच्चे पहुँचते हैं लेकिन देर हो जाती है, मैं पहुँचता हूँ आपके कॉमेंट तक लेकिन देर हो जाती है। तो इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन ही बोला मैंने कि बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप लोग काउंसलिंग वाला का हेल्प ले लेना। ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ बैक कॉल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपको खुद ही कॉल बैक चला जाएगा। अच्छा, और अभी एक गुड न्यूज ये है कि फाइनली BHOPG 2024 थर्ड राउंड ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट रिलीज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल अगर देखा जाए तो BHO का थर्ड राउंड आपके पोर्टल पे इम्प्लीमेंट किया जा चुका होगा, ऐसा नोटिस में है। बट मुझे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो बच्चे को मुझे मैसेज ऐसे ही मिल रहे हैं, सर अभी कोई ऐसा मेरे पे दिख नहीं रहा है कुछ। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे 3 घंटे में तुरंत बोले और वो अपडेट हो गया हो, तो समय लग सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज रात भर का समय आराम से ले लो और सुबह में अपना पोर्टल आप लोग जब देखोगे तो वहां पे जो भी अब फाइनली थर्ड राउंड कट ऑफ में बच्चे आ रहे हैं उनके पोर्टल पे शो करेगा कोर्स अलोकेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और बहुत सारे बच्चे प्रमोट भी हो सकते हैं। और ऐसे में जब कोर्स अलोकेशन आएगा तो साथ में हमारे पास फिर से सभी आइकन्स भी विजिबल हो जाएंगे, यानी अब आपके पोर्टल पे जिनको पहले से कोर्स मिल चुका है उनका विथड्रॉल ऑप्शन, फी रिसिप्ट, डाउनलोड, अपग्रेड और फ्रीज, ये सब ऑप्शन आपके पोर्टल पर विजिबल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है कि अगर कोई अब नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड डालता है तो इसका मतलब वो पूरा एक फ्रेशर स्टूडेंट है, पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा। यानी अब वो फिर से कोर्स एक्सेप्ट करेगा, यानी अपग्रेड में डाला तो फिर से उसके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से वो चला जाएगा, फिर से नई टीम जो होगी वो उसके लिए डॉक्यूमेंट जैसे पहले सबमिट किया था फिर से मांगा जाएगा। तो भाई ऐसा करने पे पूरा प्रोसीजर में एकदम कॉन्शियसनेस रखना है, नहीं तो फिर आप एडमिशन से बाहर हो जाओगे। ऐसे बच्चों के साथ हुआ है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के साथ मेरी स्टोरी है आज के वीडियो में कि भाई एक्सेप्ट तभी करना जब आगे के लिए ये सब चीजें आपको पता हो। कोई भी कंफ्यूजन होता है प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्टेक्ट जरूर करना, मतलब पूछ लेना मेरे से कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है आगे क्या करना है, डैशबोर्ड में नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे वर्क करता है। और उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको पहली बार मिल रहा है उनका प्रोसीजर आसान है, कोर्स आया एक्सेप्ट कर लिए फिर वो चला जाएगा फिर से CAC के पास कि हाँ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है फिर आपको। लेकिन ये सब चीजें 24 आवर्स के अंदर ही कर लेना। वैसे तो वहां पे डेट दी गई है 27 तक, सॉरी कौन सी डेट तक दी गई है, 7 तक, सॉरी सॉरी मतलब 7 तक दी गई है। प्लीज शेड्यूल एक बार आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का ग्रुप है मैं उसमें आप लोग को मैसेज कर दूंगा, वहां पे शेड्यूल आराम से चेक कर लेना। मैंने कम्युनिटी में शेयर कर दिया है शेड्यूल, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हो। यानी जब आपके पास कोर्स अलोकेशन एक्सेप्ट करने का समय जब आता है तो वहां पे टाइम भी लिखा रहता है, पोर्टल पे सब कुछ लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये टाइम होगा, कोर्स एक्सेप्ट करने का ये टाइम होगा, पेमेंट का ये टाइम होगा, सब कुछ वहां विजिबल होता है प्रॉपर वे में, आप उसको पढ़ लेना ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि पूछ लेना। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फाइनली कौन कौन अपग्रेड हुआ है, आप ये भी बताओ। अभी लिस्ट का वीडियो मैं बना दूंगा थोड़ी देर में स्मार्ट बोर्ड पे कि फाइनली कितना डाउन हुआ है कट ऑफ थर्ड राउंड में, तो थोड़े आप ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट थर्ड राउंड में है, हो सकता है आपकी एनर्जी डाउन हो गई हो, आपकी आपको नीड ना हो, लेकिन अगर आपको है तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा और किसको किसको कोर्स लोकेशन मिला ये भी जरूर बहुत बताइएगा। और कोई इमरजेंसी है तो आप काउंसलिंग वाला को कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरे तक आ जाएगी, फिर जब मेरे पास आपका डिटेल आएगा तो मैं खुद ही कॉल बैक करूंगा, ठीक है। मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं, हर हर महादेव।